गुजरात सरकार का कहना है कि राज्य के लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए दूर दराज के इलाकों तक भी अच्छी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर तेजी से काम भी किया जा रहा है। गुजरात सरकार का कहना है कि राज्य के लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए दूर दराज इलाकों तक भी अच्छी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 9,263 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,745 करोड़ रुपए गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 1,600 करोड़ रुपए PMJAY मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत मुफ्त इलाज पर खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक गुजरात के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 41% और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के एक भाषण में गुजरात के चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी बदलाव के बारे में बात की। दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे। गुजरात में 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। 2001 में राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज ही थे। राज्य में दुनिया के पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन 2022 में किया गया। इससे गुजरात को दुनिया में नई पहचान मिली। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नीलम पटेल ने गुजरात के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के बारे में जानकारी दी। गुजरात में कैटरेक्ट मुक्त अभियान ऑनरेबल CM सर के हमने इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद हमने मोर देन 800,000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करे, उसमें से दोनों आंखों पे अंधापा हो ऐसे कैटरेक्ट वाले भी हमने 19,000 रूरल में से आइडेंटिफाई कर दिए और उनका कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन विनामूल्य हुआ। तो कैटरेक्ट की बात करें तो पूरे इंडिया में गुजरात में कैटरेक्ट के काफी अच्छी तरह से कामगिरी मेरी हो रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की सेहत से जुड़ी सुविधाओं के लिए 324 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए जाने हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों के निर्माण के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में गुजरात सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को देखते हुए जानकारों का मानना है कि राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।